सच कहा। क्या तुम्हारे पास कोई गैजेट है जो मेरी हालत सुधार दे? शायद है क्रॉस स्विच। मान लो दो लोग हैं, ए और बी। अगर तुम ये स्विच दबा दो तो ए बी बन जाता है और बी ए बन जाता है और यहाँ से इनकी किस्मत बदल जाती है। पर नो बेटा, अगर तुम दूसरे इंसान की जिंदगी जीते हो तो तुम्हें शायद मजा ना आए। ये बिल्कुल गलत है। अगर तुम और मैं अपनी अपनी जगह बदल लें। ऐसा मत करो। मुझे तो लगा था मुझे स्कूल जाना नहीं पड़ेगा। तुम्हें क्रॉस स्विच का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपनी जिंदगी का रास्ता खुद अपने मन से चुनना होगा। अगर तुम्हें वो रास्ता नहीं पसंद जो तुम ले रहे हो तो तुम्हें खुद बदलना चाहिए। सभी लोग पेज नंबर 36 पर पहुंच जाओ। गुड मॉर्निंग सर। क्या तुम्हें वक्त का अंदाजा है? चलो क्लास के बाहर खड़े हो जाओ, जाओ। यस सर। वाओ, ये अच्छा है। तो अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। अपने आप पढ़ो। मैं भूल गया, ये बेहतर होगा हम दोनों बदल जाएं। आखिर मैं कहाँ था? सुनो, कल से तुम्हें स्कूल वक्त पर आना होगा। हाँ सर। हाँ, आखिर ये हुआ क्या था? पता नहीं, आज का दिन अच्छा बीता। अब मुझे घर जाकर क्या करना चाहिए? मैं अपने अंकल के साथ एक फिल्म देखने वाला हूँ। सुनियो, फिल्म देखने जा रहा है? तो ठीक है। ओके, बाय नोबिता। बाय बाय सुनियो। हाय मॉम। नोबिता, तुम स्कूल लेट पहुँचे और तुम्हें क्लासरूम के बाहर खड़ा होना पड़ा है ना? तुम्हारे टीचर ने फोन किया था, मैं बहुत शर्मिंदा थी। मेरी बात तो सुनिए मॉम। अब कोई बहाना नहीं। कितनी बार मुझे ये बताना पड़ेगा नोबिता? नोबिता कभी नहीं सुधरेगा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है डोरेमोन। नोबिता, अभी अपना होमवर्क करो। डोरेमोन, मुझे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं है। समझ सकता हूँ। सुनियो, नाश्ता तैयार है। वाओ, इतना सारा नाश्ता, मैं इतना सारा नहीं खा सकता। चिंता मत करो, जो तुम नहीं खा सकते छोड़ दो। अगर हर रोज मुझे इतना अच्छा खाना मिले तो मैं सुनियो बनना पसंद करूँगा। चलो भी, जल्दी खा लो। ओह, कोई दरवाजे पर है। सुनियो, अंकल सुनी किची तुम्हें फिल्म के लिए लेने आए हैं। तो क्या हम चलें सुनियो? हाँ चलते हैं। फिल्म देखने सुनियो, कहाँ जा रहे हो तुम? उजियान, सुनो, मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ। आज हमें एक इम्पोर्टेंट गेम खेलना है। ओ, मैं तो भूल ही गया था। क्या तुम्हारे कुछ और प्लान्स हैं? हाँ। तो ठीक है, हम फिल्म किसी और दिन देख लेंगे। हाँ ठीक है। मुझे लगता है कि हालात अभी भी कुछ ठीक नहीं है। मुझे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे बस झपकी लेना अच्छा लगता है। हे नोबिता, बेसबॉल खेलोगे क्या? हाँ, जियान आ गया। वो मुझे बहुत मारता है, डांटता भी है। सुनो, आज ये एक इम्पोर्टेंट गेम है, अगर किसी ने भी गड़बड़ की तो मैं उसे मारूंगा। मैं सोचता हूँ कि मुझे सुनियो की जगह जियान होना चाहिए। ओके। अब मैं जियान बन गया हूँ तो हमारी टीम का पिक्चर मैं हूँ। ये मैं चला। जरा जोर से फेंको जियान। चार बॉल, होम रन, हम हार गए।
इंसान तो बन गया पर उसकी तरह खेल नहीं पाया। घूर के रहे हो क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चला घर। इसकी गलती से हम हार गए और ये मजे से दौड़ता हुआ घर चला गया। अगर ये जियान नहीं होता तो मैं इसे खूब मारता। अब मैं काफी दूर आ गया हूँ, मैं वापस पिच दबाता हूँ, अब सब ठीक हो जाना चाहिए। ओह नोबिता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आप शॉपिंग करने जा रही हैं? बिल्कुल ठीक। रात में डिनर के लिए क्या है? मैं सोच रही थी थोड़ी सी ग्रिल्ड फिश बना लूं। ओह फिश, मैं लेकर आता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो नोबिता? जल्दी घर जाओ और अपना होमवर्क पूरा करो, समझे तुम? हाँ अब ठीक है। हम फिश नहीं खाएंगे, हैमबर्गर करी और चावल अच्छा है। मैंने तो सोच लिया हम चिकन खाएंगे। आइए कहिए क्या लेंगे? मुझे आपसे चार लोगों के लिए चिकन खरीदना है। ये लीजिए 650 रुपए। क्या 650 रुपए? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। आखिर हमें फिश खाना ही पड़ेगा, मैंने अपना सारा वक्त खरीदारी में बर्बाद कर दिया। आंटी नोबिता आज कहाँ चला गया, नजर ही नहीं आया। ये लो मॉम, मैंने आपके लिए खरीदारी कर दी। ओह थैंक यू नोबिता। अजीब बात है, मैंने इसे कब कहा खरीदारी के लिए? खैर डिनर के लिए वक्त पर घर आ जाना ठीक है। हाँ अजीब बात है, नोबिता शॉपिंग के लिए गया था पर शायद कुछ देर पहले तो वो खेल रहा था। सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, अब शायद मुझे शिजुका बनना चाहिए। हाय डोरेमोन, मैं जरा थक गई हूँ और कुछ देर के लिए छुट्टी लेना चाहूँगी। मुझे पूरा यकीन है कि नोबिता अपनी हरकतों से बास कभी नहीं आएगा। क्या बात है शिजुका, आज तुम पियानो बड़े अजीब ढंग से बजा रही हो। ये पियानो बजाना मेरे बस का खेल नहीं है। तो ठीक है, तुम सब कुछ फिर से 30 बार प्रैक्टिस करोगी, समझ गई? क्या 30 बार? ये सब मुझे नहीं होगा। आखिरकार खत्म हुआ, मैं थक गया हूँ। हाँ मेरे नहाने का वक्त। मुझे नहीं नहाना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कितनी अजीब बात है, मैं सोना चाहती हूँ और मुझे नींद ही नहीं आ रही है। कैसे आएगी, आम आदमी इतना नहीं सो सकता। हाँ मेरा पढ़ने का मन नहीं है लेकिन पता नहीं मैं फिर भी क्यों पढ़ना चाहती हूँ। मैं कुछ ड्रॉ करना चाहती हूँ पर ड्रॉ करने का मन नहीं कर रहा। ये कैसी उलझन है? मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, मेरे ख्याल से मुझे अपने घर जाके कुछ और करना चाहिए। तुम्हें अपने घर जाना है ना? हाँ देखो ये रहा। इस दरवाजे से निकलो यहाँ से। तुम्हारा मतलब क्या है, तुम बाथरूम के अंदर चली आई, समझी तो? बहुत हुआ शिजुका बनना। ओ तो तुम घर आ गए नोबिता, किसी और की जिंदगी जीना कैसा लगा? ओ डोरेमोन कुछ मत पूछो। अब तुम समझ गए ना, अब अगर तुमने सबक सीख ही लिया है तो अपना होमवर्क करो। हाँ मैंने सबक सीख लिया, मैं अपनी जिंदगी अपनी तरह जीऊंगा पर उससे पहले प्लीज मेरा होमवर्क कर दो ना डोरेमोन। ये सब मैं कैसे करूँगा? बहुत गर्मी है। मैंने अखबार में पढ़ा है कि आज के दिन सबसे ज्यादा गर्मी हुई है। अगर तुम्हें पता है तो इस बारे में कुछ करते क्यों नहीं हो डोरेमोन? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें पता है तुम्हारे पास तो फ्यूचर के लिए बहुत सारे गैजेट्स हैं। सच मेरे पास कुछ है जिससे तुम्हें बहुत ठंड महसूस होगी पर तुम उसे हर वक्त इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं डोरेमोन? गर्मियाँ बहुत गर्म होने वाली हैं। वो समय भी आएगा जब तुम्हें बहुत पसीना आएगा। ये मत बोलना कि उनमें से एक बाल ये है, प्लीज डोरेमोन। अगर तुम एक सच्चे मर्द हो तो इस गर्मी को आसानी से सहलोगे। ओ चिंता मत करो, मैं बाहर जा रहा हूँ ठंडक पाने।
ओ गर्मी है, कितनी गर्मी है, यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी है। अंदर थोड़ा ठंडा है। एक मिनट, जो मैंने कहा उसके बाद मैं वापस नहीं जा सकता, मुझे शहर पे जाना चाहिए। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। यहाँ तो काफी ठंडक है, बहुत अच्छा लग रहा है। ओम, ये कोई तुम्हारे आराम करने की जगह नहीं है। आ? चलो कुछ खरीदना नहीं तो निकलो यहाँ से। मैं हार नहीं मानने वाला, दोबारा कोशिश करूंगा। अब मैं इस दुकान में जाऊंगा। निकलो यहाँ से बाहर, ये दुकान है, कोई आराम करने की जगह नहीं। चलो भागो 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 भागो। नोबिता तुम अरे जियान ये किसे मारा? ये तुम्हारी बहुत बुरी आदत है, क्या कोई भी इस तरह से कूड़े को सड़क पर फेंकता है? नहीं, इसे डस्टबिन में फेंकना चाहिए। बहुत अच्छे, सुनियो ये आइसक्रीम मुझे दे दो, जल्दी करो और वहाँ फेंको। ठीक है। हुँ? अरे मुझे कुछ याद आया, मैंने एक मजेदार कहानी सुनी थी। है? हाँ? किस तरह की कहानी? शिजुका इधर आओ, जियान कह रहा है उसके पास एक मजेदार कहानी है, जल्दी आओ। सच? रुको मैं अभी आती हूँ। अब मेरे प्यार